बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा तंज मारा है। विजयवर्गीय ने दिल्ली में पावर कट को लेकर तंज कसा है। विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा कि मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पिछले एक घंटे से लाइट नहीं है, खिड़की खोली तो हवा के साथ मच्छर भी आ गए हैं। मैं अंधेरे में मच्छर मार रहा हूँ, सुबह स्कोर बताऊंगा। जय हो फ्री बिजली वाली सरकार। कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट कर कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि सुना था कि भाजपा के तमाम नेता आज दिल्ली में 23 का रोड मैप बनाने गए हैं, लेकिन ये क्या, ये तो वहाँ जाकर मच्छर मार रहे हैं। नरोत्तम जी, आप भी एक दिन पहले गए हैं, आपने कितने मारे? अब जब तक मामा जी हैं, आप लोगों को मच्छर ही मारने हैं। स्कोर आज मामा जी पूछ लेंगे। बुधवार को भोपाल में बने हबीबगंज रेलवे अंडर ब्रिज के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिवराज के मंत्री विश्वास सारंग ने बीआरटीएस को समस्या बताते हुए इसे उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं हबीबगंज रेलवे अंडर ब्रिज के नाम को लेकर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि इसका नाम प्रस्तावित है, मुख्यमंत्री जिस नाम पर सहमति जताएंगे वही नाम रखा जाएगा, किसी हबीब के नाम पर नहीं होगा। कार्यक्रम में निषादपुरा का नाम बदलने को लेकर भी बात हुई। ग्वालियर में एमएलबी कॉलेज के छात्रों के बीच हुई मारपीट के बीच कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की दिलेरी का एक वीडियो सामने आया है। एमएलबी कॉलेज के छात्र बीच सड़क पर आपस में भिड़ रहे थे और गोलियां चला रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का यहां से गुजरना हुआ। वे झगड़ रहे छात्रों के बीच पहुंचे और एक युवक से कट्टा छीन लिया। इतने में पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने दोनों गुटों के छात्रों को गिरफ्तार किया है। हुई गुंडागर्दी के वीडियो भी सामने आए हैं। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों ने प्रिंसिपल को पत्र लिखकर सीनियर्स की करतूतें बताई हैं। उन्होंने अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव की जो दास्तां सुनाई है वो हैरान कर देने वाली है। जूनियर्स के साथ हो रही रैगिंग की शिकायत उनके पेरेंट्स ने डीओ से भी की है।